इन टैंकों की फोटो को आप ध्यान से देखिए और इन टैंकों की फोटो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यह रशिया के टैंक है और ये वही टैंक है जो भारत के पास लगभग 1100 की संख्या में मौजूद है, जिसे T-90 टैंक कहते हैं। पर इनका ये हाल यूक्रेन ने किया है, वो भी तुर्की के TBT ड्रोन से। TBT ड्रोन को टैंकरों का हंटर कहा जाता है और TBT ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में सिद्ध कर दिया है कि मुझसे बढ़कर इस युद्ध में कोई भी काम नहीं आ सकता, इसलिए भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल भारत के पास यह 1100 की संख्या में मौजूद है, इसीलिए भारत भी इसके रिप्लेसमेंट, हालांकि रूस के T-90 टैंकों को कुछ चेंजेस के बाद भारत में इंक्लूड किया गया है और इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, और जो टैंकों का ये हाल हुआ है वो रूस के मैन्युफैक्चरर है। इसीलिए भारत ने अधिकतर अर्जुन टैंक से इन T-90 टैंकों का रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। बात करें अर्जुन टैंक की, तो अर्जुन पाकिस्तान के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अर्जुन टैंक की एक ही कमी पाई जाती है, जो इसका भारी वजन 68 टन की होने की वजह से चीन और लद्दाख जैसे एरियों में पुल पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वह पुल पुरानी हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान वाले राजस्थान वाले एरिया में इसका डिप्लॉयड किया गया है और यह पाकिस्तान के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अर्जुन टैंक भारत का इंडिजीनियस विकसित टैंक है और इसकी शुरुआत लगभग 2000 में कर दी गई। यह धीरे धीरे इसका अपडेटेड वर्जन लाया जा रहा है और हाल ही में MK3 नाम का इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च होने वाला है। आपको टैंकों की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय।